अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी चिप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और क्वालिटी में बिल्कुल लेज़ चिप्स की तरह के बनेंगे। इसके लिए हमें चाहिए आलू और नमक। आलू हमने नए लेने हैं, इनको छील लें। ये मैं बिल्कुल रेगुलर छुरी जो किचन में यूज़ करते हैं हम, उसके साथ छील रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई कटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार चिप्स बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चे बहुत शौक से इसको खाते हैं। कोई भी इसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, आप देखना, आप लोगों के सामने बनाऊंगी, बहुत ही अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आलू छिल चुके हैं, अब हम इनसे चिप्स बना लेंगे। किस तरह से बारीक बारीक आपने काट लेना है। ये देखिए, इतना बारीक काटना है कि दूसरी साइड से स्किन नजर आ रही हो। बिल्कुल पतला पतला काट लेना है। जब आप एक बार ये घर में ट्राई कर लेंगे रेसिपी, आपका फिर जी नहीं करेगा बाजार से चिप्स लाने को। इतने ये शानदार चिप्स बनते हैं। ये देख लें, आपके सामने ही है, वही छुरी है, उसी से काट रही हूँ। बहुत ही अच्छे काट रहे हैं। आलू हमारे कट चुके हैं, अब हम इन पे हल्का सा नमक छिड़केंगे। ये देखें कितने अच्छे कटे हैं। अब ऑयल गरम करेंगे। ये कढ़ाई लेंगे, चूल्हा ऑन किया, अच्छा इसको हाई हीट पे नहीं पकाना, मीडियम हीट पे इसको पकाना है, तो फिर आपको रिज़ल्ट जो है इसका ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप हाई कर देंगे तो वो जल जाएंगे और इतने अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इसकी मीडियम रख के। और ये भी आपने अपने जहन में रखनी है बात कि आलू जो है वो नहीं लेने हैं, पुराने आलू से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। चेक करते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है कि नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिप्स डालेंगे। और एक और बात कि इसमें एक एक करके डालने हैं चिप्स, ऊपर नीचे नहीं डालने। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात हम ऐसे करते हैं कि डाल के चिप्स या कोई भी चीज़ फ़ौरन उसको हिलाने लग जाते हैं। चिप्स डालने के बाद आपने इनको हिलाना नहीं है, 5-10 मिनट आपने इनको ऐसे ही रहने देना है।
10 मिनट हो गए हैं चिप्स को तलते हुए, अब हम इसमें चमचा चलाएंगे। साइड पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चिप्स खुद ही ऊपर आ जाते हैं। तकरीबन चिप्स हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, थोड़ी सी कसर रह गई है, 1-2 मिनट और लगेगा तो ये हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। चिप्स हमारे बन चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। चिप्स हमारे बन चुके हैं, अब हम इन पे चाट मसाला छिड़केंगे और इसको इंजॉय करेंगे। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।